Good morning student, how are you? I hope you will be all fine. Today I am going to read chapter EVS 5. The topic is seasons and clothing. So dear student, open your book, page number 168. Listen carefully, let us start. Seasons and clothing. Season ka matlab hoti hai rituen and or. क्लोथिंग पहनावा मतलब हम जो है सीजन में किस तरह का पहनावा करते हैं. इस चैप्टर में हम ये चीज़ रीड करने वाले हैं. वेदर, वेदर मीन्स मौसम. द एयर अराउंड अस इन समटाइम हॉट एंड समटाइम कोल्ड. हमारे चारों तरफ जो है हवा कभी कैसी होती है, कभी ठंडी ठंडी हवा होती है और कभी कभी गर्म हवा चलती है. वैन इट इज़ द बी से That the day is hot. जब जो है गर्म हवा चलती है तो हम क्या बोलते हैं कि आज मौसम कैसा है, गर्म मौसम है. When it is cold, we say that the day is cold. और जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हम क्या बोलते हैं कि आज मौसम कैसा है, ठंडा है. When we say that the day is hot or cold, we talk about the weather. जब हम मौसम के बारे में बात करते हैं ना कि आज किस तरह का मौसम है, ठंडा है या गर्म है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, मौसम के बारे में. तो मौसम बोला जाता है वेदर. सीजन, सीजन होती है ऋतुएं. व्हेन अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वेदर्स रिमेन्स फॉर अ मंथ और टू इट इज़ कॉल्ड अ सीजन. देयर आर थ्री मेन सीजन्स इन इंडिया. जब हम एक पर्टिकुलर वेदर की बात करते हैं ना, वो ऐसा मौसम जो एक दो महीने तक रहता है, सेम मतलब सेम टाइप का जो वेदर रहता है एक दो महीने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सीजन. तो हमारे इंडिया में जो है सीजन कितने प्रकार के हैं, मेन टाइप के थ्री टाइप के हैं. तो कौन कौन से हैं, समर. वी हैव समर इन अप्रैल मई एंड जून. गर्मी का जो मौसम होता है वो कौन से मंथ में होता है, अप्रैल मई और जून. तो इस इन महीनों में मौसम कैसा होता है, गर्म होता है. द सन शाइन डायरेक्टली ओवर द During this month, तो इस मंथ में इन महीनों में क्या होता है, सूरज का जो प्रकाश कैसा होता है, बहुत तेज़ होता है, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है. This make the air very warm. और जो गर्म सूरज के प्रकाश से क्या होती है, जो हवा होती है वो कैसी होती है, गर्म. It is very hot during the summer season. तो गर्मी के मौसम में, गर्मी के सीजन में मौसम कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म. We say keep ourselves cool by wearing loose white cotton clothes. We use fan, coolers and air conditioners in summer. तो गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं, हम लूज कपड़े, ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं और वाइट कॉटन, सफ़ेद कॉटन के कपड़े पहनते हैं. और गर्मी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पंखों का यूज़ करते हैं, पंखों के नीचे बैठते हैं, कूलर का यूज़ करते हैं और एयर कंडीशन का यूज़ करते हैं. It is very hot during this season. We swept होते हैं पसीना. तो इन महीनों में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो गर्मी के कारण हमें क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा पसीना पड़ता है. So we need a drink plenty of water. तो इसलिए हमें गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए. क्यों पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमें जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी का जो पानी है वो ख़त्म हो जाता है. तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए. People like to go to hill station in summer. लोग जो है गर्मी के मौसम में घूमने फिरने के लिए पहाड़ी स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ठंड होती है. The weather is pleasant and cool at hill stations during summer. तो गर्मी के दिनों में जो है पहाड़ी, जो पहाड़ी वाला जो एरिया होता है वहाँ का मौसम कैसा होता है, बहुत ही सुहाना होता है. वहाँ पे ना ही ज़्यादा गर्मी नहीं होती है. Avoid having too many soft drink and too much ice cream. They are harmful for our health के लिए. ठीक है, हमें जो है बहुत ज़्यादा शीतल पेय, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, इनसे हमें नुकसान पहुँचता है. मानसून, इन द मानसून डार्क क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई. तो मानसून वाला जो मौसम होता है तो उस टाइम क्या होता है, आकाश में बादल छाए होते हैं. देयर इज lightning and thunder जो है गर्ज. ठीक है, then it rain, we use an umbrella and wear raincoat and gumboos होते हैं लंबे जूते. ठीक है, रबड़ वाले लंबे जूते. go out in the rain.
तो जब जो मॉनसून होती है तो उस टाइम क्या होता है, आकाश में बहुत ज़्यादा बादल होते हैं और बारिश होती है, और बारिश जब आती है तो आकाश में बहुत ज़्यादा बिजली गरजती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बारिश से बचने के लिए, हम क्या करते हैं मॉनसून के मौसम में, हम क्या करते हैं, हम छाते का उपयोग करते हैं, रेनकोट पहनते हैं और रबड़ वाले जो लंबे बड़े बड़े जूते होते हैं उनको पहनते हैं बाहर जाने के लिए। समटाइम वी सी रेनबो इन द स्काई ड्यूरिंग द मॉनसून, और जब मॉनसून होती है तो हमें कभी कभी आकाश में रेनबो दिखाई देता है। रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष, तो उसमें 7 कलर होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। रेनबो है 7 कलर, तो रेनबो में कितने कलर होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो कलर्स होते हैं 7 कलर होते हैं। आर फार्मर इग्रेजली वेट फॉर द मानसून, इग्रेजली तो बेसब्री से इंतजार करते हैं, फार्मर होते हैं किसान, किसानों को मानसून आने का बेसब्री से इंतजार होते हैं। रेन प्रोवाइड्स वाटर फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो, तो बारिश जो है प्रदान करती है, बारिश से क्या होता है पानी आता है, जो पानी हमारी फसल के लिए वो क्या होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि यदि बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल कैसे तैयार होगी, तो फसल को तैयार करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए किसानों को मॉनसून आने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। विंटर, वी हैव विंटर फ्रॉम दिसंबर एंड फरवरी एवरी ईयर, तो जो विंटर का जो मौसम विंटर होता है सर्दी, तो सर्दी का मौसम कब होता है, दिसंबर जनवरी और फरवरी 3 मंथ में होते हैं, तो इस ये हर साल 3 मंथ में आते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन द डे आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, तो इन दोनों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी लंबी होती हैं। कोल्ड विंड्स फ्लो ड्यूरिंग दिस मंथ, और जो ठंडी ठंडी हवा चलती है विंटर मौसम में, क्या होता है ठंडी ठंडी हवा चलती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है। वी वियर वूलन क्लोथ्स लाइक स्वेटर्स एंड कोट टू कीप अवर सेल्फ वार्म, हम जो है अपने आप को गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं गर्म गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे स्वेटर कोट इत्यादि। बी इंजॉय टेकिंग हॉट ड्रिंकिंग लाइक टी एंड कॉफ़ी एंड हॉट फूड, हम जो है गर्म गर्म चीज़ों का खाने का बहुत इंजॉय लेते हैं, जैसे चाय पीने का मज़ा लेते हैं, कॉफ़ी पीने का मज़ा लेते हैं, और जब हम जो खाना खाते हैं तो हम कैसा खाना खाते हैं गर्म गर्म, क्योंकि ठंड में जो है हमें गर्म खाना अच्छा लगता है। सम पीपल आल्सो यूज़ हीटर और लाइट स्मॉल फायर्स टू कीप वार्म, कुछ लोग जो है अपने आप को गर्म रखने के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं या आग जलाते हैं। क्यों जलाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी में हमें ठंड लगती है, तो ठंड से बचने के लिए हम हीटर का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन एमसी क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। पीपल लाइक गो टू हिल स्टेशन, लोग जो है हिल स्टेशन में जाने को पसंद करते हैं, किस मंथ में जाने, कौन से जो सीज़न होते हैं तो कब जाना पसंद करते हैं, विंटर में, समर में या मानसून में, तो हिल स्टेशन में लोग कब जाना पसंद करते हैं, समर सीजन में। विच टाइप्स ऑफ ड्रिंक डू वी लाइक टू हैव इन विंटर, तो सर्दियों में जो है आपको कैसी चीज़ें पीना अच्छा लगता है, टी सॉफ्ट ड्रिंक जूस, तो चाय पीना अच्छा लगता है क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ठंड लगती है, तो ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं चाय को पीते हैं। देयर आर टू मोर सीजन, इसके अलावा जो है दो और मौसम भी हैं, तो वो कौन कौन से हैं, ऑटमन एंड स्प्रिंग। ऑटमन होता है पतझड़ ऋतु एंड बसंत ऋतु। इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये कौन से मंथ में आते हैं, अक्टूबर और नवंबर मंथ में आते हैं। द वेदर इज नाइदर टू नॉर टू कोल्ड, तो इन दिनों में ना ही ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। द ट्री शेड्स देयर लीव्स, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, इस मौसम में क्या होते हैं पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑटमन सीजन, तो इसको क्या बोला जाता है, पतझड़ ऋतु। इन द मंथ ऑफ मार्च एंड मिड अप्रैल, मार्च का महीना और अप्रैल का जो आधा महीना होता है, मध्य का हिस्सा जो आधा अप्रैल और मार्च, द वेदर इज अगेन नाइदर कोल्ड नॉर टू हॉट, तो मार्च और अप्रैल में भी मौसम कैसा होता है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। तो ये कौन सा सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु। फ्लावर्स ब्लूम्स एंड द ट्री हैव न्यू लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इसमें क्या होता है, इस मौसम में क्या होते हैं फ्लावर्स खिलते हैं, ठीक है, और न्यू पेड़ जो पत्ते झड़ जाते हैं ना, तो उन पेड़ों में जो है पत्ते, नए पत्ते आना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन, तो इसको क्या बोला जाता है, स्प्रिंग सीजन बोला जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या रीड किया, ऋतुओं के बारे में कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं और इन ऋतुओं में हमें ठंड से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ठीक है। ये आपका चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, ओके बाय।